हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस की स्कोर एक ऐसी स्टडी है जिसे प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस की ने, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने डेवलप किया है और आज सारे दुनिया के फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और 3 कैटेगरीज होती हैं। हमारे जो 9 क्राइटेरिया होते हैं उनमें हम सभी क्राइटेरिया में यदि कंपनी फुलफिल करती है तो उसमें हम 1 पॉइंट देते हैं, और यदि कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो हम उसे 0 पॉइंट देते हैं। तो हम देखते हैं बारी बारी से। जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं। हम देखेंगे इनको बारी बारी से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं ये FY 2020 का कर रहे हैं और ये पूरे साल का एक एनालिसिस है। और जहाँ कहीं भी हमें पिछले साल के या पिछले पीरियड के साथ में कंपेरिजन करना होगा डाटा का, तो हम FY 2019 के साथ में करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये FY 2020 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर है। तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर जनरेट करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी कहलाती है, और यदि 4, 5, 6 का जनरेट करती है तो वो एवरेज कंपनी कहलाती है, और 3 से नीचे जो भी कंपनियां आती हैं पॉइंट स्कोर करके वो वीक फंडामेंटली कंपनियां कहलाती हैं। तो हम शुरू करते हैं, आप देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम। हमें ये देखना है कि क्या कंपनी ने एक नेट इनकम जो कि पॉजिटिव है जनरेट की है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर कंपनी ने 2,501.84 करोड़ जनरेट की है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपनी ने 2020 में 2,501.84 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की है। तो ये कंपनी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया है और हम यहाँ पर इसको 1 पॉइंट देते हैं। यहाँ पर हम इसको 1 पॉइंट अलॉट करते हैं और चलते हैं आगे अपने दूसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट उसका क्या रहा, पॉजिटिव रहा। यदि उसका रिटर्न ऑफ पॉजिटिव रहा होगा, पॉजिटिव रिटर्न ऑफ एसेट रहा होगा, तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस बार इसने 13.84 का रिटर्न जनरेट किया है, तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे क्योंकि इसने एक क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। हम यहाँ पर इसको 1 पॉइंट अलॉट करते हैं और देखते हैं अपना तीसरा क्राइटेरिया क्या है। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। क्या कंपनी ने एक कैश फ्लो जो कि पॉजिटिव है वो जनरेट किया है या नहीं। यदि कंपनी ने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया होगा तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज उसको 0 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट से इसका कैश फ्लो ढूंढा और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो इसका कैश फ्लो आया है वो है नेगेटिव में 3,131.44 करोड़, इसलिए कंपनी ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है और हम इसको यहाँ पर 0 पॉइंट देते हैं। अब जो चौथा क्राइटेरिया है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी कि जो तीसरी क्राइटेरिया में हमारा जो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए था वो नेट इनकम से ज्यादा हो। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यदि कैश फ्लो ही नेगेटिव होगा तो वो नेट इनकम से कहाँ ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इस कंपनी को 0 मिलना स्वाभाविक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपनी ने एक नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया है जबकि इसने एक पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट की है। तो हम देख रहे हैं कि जो इसने लॉस एक नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया 3,133.44 का और नेट इनकम है 2,501.84 करोड़ की, तो यहाँ पर हम कंपनी को 0 पॉइंट देंगे क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी वाला राउंड पूरा हुआ और कंपनी को इसमें 2 पॉइंट्स मिले हैं। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, हम कंपनी को 2 पॉइंट देते हैं और कंपनी का स्कोर अपडेट करते हैं जो कि हो गया है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे कैटेगरी में, दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज एंड लिक्विडिटी का। इसमें 3 क्राइटेरिया होंगे, हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। यहाँ पर हमको कंपेरिजन करना पड़ेगा 2019 के साथ में, क्योंकि यहाँ पर लोअर वर्ड यूज हुआ है, यानी ये हमको पिछले साल
के डाटा से कंपेयर करना पड़ेगा। हमारा ये जो रेशियो है वो है लॉन्ग टर्म डेट, पिछले साल की अपेक्षा कम होना चाहिए, यानी कि जो लीवरेज है वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का इस साल जो लीवरेज है वो 5.20 है, जबकि लास्ट ईयर ये 5.51 था। तो हम देख रहे हैं कि एक प्रकार से ये इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर आप ये डाटा शीट देख सकते हैं और इस प्रकार से कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और कंपनी को मिलते हैं 1 पॉइंट। यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट अवार्ड करते हैं। अब हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो लीवरेज में, वो है हायर रिटर्न, हायर करेंट रेशो इन करेंट ईयर, यानी जो करेंट रेशो है वो हायर होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। तो देखते हैं क्या हुआ है। इस बार जो इसका करंट रेशियो है वो है 1.18, जबकि लास्ट ईयर ये 103.06 था। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा कम है। इस तरह से कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है और हम कंपनी को 0 पॉइंट अवार्ड करते हैं, क्योंकि कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है। अब हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है लीवरेज में, वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नया शेयर इशू किए हैं, इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो वो डाइल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया है इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से और हमने देखा है कि किसी भी तरह का नया इक्विटी इशू नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने कोई शेयर डाइल्यूशन नहीं किया है और कंपनी को पूरा 1 पॉइंट मिलता है। हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं और इस तरह से हम देख रहे हैं कि लीवरेज वाली कैटेगरी में कंपनी को 2 पॉइंट्स मिलते हैं और हमारा दूसरा राउंड खत्म होता है और इस दूसरे राउंड में लीवरेज में इसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं और इस कंपनी का जो स्कोर हो जाता है, पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है 4। अब हमारे पास केवल 2 क्राइटेरिया हैं और 1 कैटेगरी है जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है और अब हम इसमें देखते हैं कि क्या किया है कंपनी ने। तो यहाँ पर सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो हायर होना चाहिए, यानी पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं क्या किया है कंपनी ने। तो यहाँ पर जो ग्रॉस मार्जिन है वो 71.54 है, जबकि लास्ट ईयर ये 73% था। तो यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है और कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 0 पॉइंट। अब हम आते हैं आगे और अपने अंतिम क्राइटेरिया पर आते हैं, जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो क्या है, पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 14.49 है, जबकि पिछले साल ये 14.72 था, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर भी कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है और हम कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे। तो इस तरह से जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कंपनी को 0 पॉइंट देती है और यहाँ पर कंपनी ने एक जबरदस्त मात खाई है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनकी बहुत ज्यादा खराब रही है। तो ये तीसरे जो राउंड में हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट और हम स्कोर को अपडेट करते हैं, जो कि है पार, जो कि है टोटल जो स्कोर आया है इसका वो आया है 4। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, लेकिन एवरेज में भी बहुत ज़्यादा नीचे स्कोर का है, क्योंकि एवरेज हम 4, 5 और 6 वाले को एवरेज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उसमें भी सबसे ज़्यादा लोअर कैटेगरी में है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।